उसे भगवान समझूंगा तो ये भी हो सकता है कि आशक्ति ना हो, पर अगर मैं आपको बेटा समझूंगा तो आशक्ति तो हो ही जाएगी, और अगर आपसे आशक्ति हो तो वह कल्याण कर देगी। और इतना कहते कहते महाराज मनु रोने लगे कि मणि बिनु फणि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिम तुम ही अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प जीवित नहीं रहता, फणि मत मणि बिनु फणि और जिम जल बिनु मीना, जैसे जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती, ऐसे ही मेरा जीवन आपके अधीन हो। असवर मांग चरण गहि रहेउ, एउ मस्तु करुणानिधि कहेउ। भगवान ने एउ मस्तु कहा, तुम लोग अपने पुण्य का भोग करने के लिए स्वर्ग जाओगे, और अगले जन्म में महाराज दशरथ और महारानी बनोगे, तब मैं तुम्हारा बेटा बनूंगा। तो एक कारण भगवान शिव कहते हैं कि ये भी एक कारण है भगवान के जन्म का। एक कारण है कि एक बार एक राजा हुए हैं प्रताप भानु, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े धर्मात्मा, और वे यज्ञ करते ही रहते हैं, हजार हजार बार यज्ञ करते हैं, प्रजापाल अति वेद विधि कहाँ हूँ नहीं अघुलेश। उनके राज्य में थोड़ा सा भी पाप नहीं था, वो वेद की विधि से प्रजा का पालन करते थे, बड़े धर्मात्मा राजा हैं। पर एक दिन महाराज प्रताप भानु जंगल में मृगया के लिए गए शिकार खेलने, तो उनको एक बड़ा विशाल वाराह दिखा, वे उसके पीछे भागे। भागते गए भागते गए, बाण भी चलाए पर करी छल सुअर शरीर बचावा। वह बाराह तो एक गुफा में छिप गया, पर महाराज मनु ने उसका शिकार नहीं कर पाया, और महाराज प्रताप भानु ने, और सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है, शाम होने को आई, सारे साथी भी बिछुड़ गए। अब महाराज प्रताप भानु अकेले हैं जंगल में, तो उनको एक मार्ग में आश्रम दिखा, आश्रम, वे उस आश्रम में गए। वह आश्रम एक कपटी मुनि का था, वे वहां पर गए। उन मुनि से कहा कि क्या मैं आपके आश्रम में थोड़ी देर रुक सकता हूं? देखिए, कुछ ही दिनों पहले महाराज प्रताप भानु ने एक राजा को युद्ध में हराकर उसका सारा राज्यभार छीन लिया था, क्योंकि वो बड़ा ही पापी राजा था, और वो वन में आ गया था और मुनि बन गया था,
और यही कपटी मुनि है इसी के आश्रम में। तो महाराज प्रताप भानु तो इसको पहचान नहीं पाए, पर ये महाराज को पहचान गया। बोला कि अवश्य तुम रुक सकते हो, पर तुम झूठ मत बोलो। मैं जानता हूं, जान गया हूं अपनी योग दृष्टि से कि तुम महाराज प्रताप भानु हो। तुम्हारे परिवार में ये हैं, तुम्हारा राज्य यहाँ से यहाँ तक है, सब कुछ बता दिया। अब महाराज प्रताप भानु को लगा कि अरे ये तो बहुत बड़े मुनि हैं। सोचा कि मुझे इनके चरण पकड़ लेने चाहिए। चरणों में गिर गए महाराज। कहा कि आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अजर हो जाऊं और ऐसे ही प्रजा की सेवा में करता रहूं। तो कपटी मुनि बोला कि मैं तुम्हें ऐसा तरीका अवश्य बताऊंगा, तुम्हें ब्राह्मणों का भोज कराना पड़ेगा, पर शर्त एक है कि भोजन मैं बनाऊंगा। महाराज मान गए, बोले कि ठीक है। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। अब कुछ दिनों ब्राह्मणों को निमंत्रण देने के बाद ब्राह्मण आए। उस कपटी मुनि ने भोजन तो बनाया, पर भोजन में मांस डाल दिया, ब्राह्मणों का मांस। ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया। वे भोजन करने ही वाले थे, इतने में आकाशवाणी हुई कि भयउ रसोई भूसुर मासु, इस भोजन को कोई मत करना, इसमें मांस मिला हुआ है। और जो ब्राह्मणों ने सुना बड़े क्रोधित हुए कि ये प्रताप भानु हम लोगों का धर्म नष्ट करना चाहता था। सब लोगों ने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ। फिर से आकाशवाणी हुई कि अरे तुम लोगों ने श्राप गलत दे दिया, इसकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस कपटी मुनि की है, उसी ने भोजन में मांस मिलाया है। पर ब्राह्मण कहने लगे कि भूपति भावी मिटई नहीं यद्यपि ना दूषण तोर। ये भावी है, तुम्हारा भले ही कोई दोष नहीं है, पर ये भावी ऐसे नहीं मिटेगी। यद्यपि ना दूषण तोर, तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है, और भावी तो श्री रामचरितमानस में कई लोगों के यहाँ आए। महाराज भगवान श्री राम के यहाँ भी भावी आए। सो भावी वसरानी अयानी, सुनहु भरत भावी प्रबल, तुलसी नृपति भवितव्यतावस। और भावी वस न ज्ञान और आव, तो ये भावी है, पर इस भावी को गुरु वशिष्ठ भी कहते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कर